नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अब पता लगने वाला है जो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये एक बात केवल और केवल आपके और हमारे बीच रहनी चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली पर व आपके पारिवारिक जीवन में पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोग हमेशा कुछ अच्छा करने की मनोकामना करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरों के जीवन में आप लोग खुशियां लाने का कार्य करते हैं, बस यही आपका कुछ अच्छे गुण है जो लोगों को बिल्कुल भी इस समय पसंद नहीं आ रहे हैं, और वे आप लोगों का बुरा भला करने के बारे में प्रतिदिन सोचते रहते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आपके जीवन में बसे हुए हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इन लोगों से अभी दूर हो जाइए और अगले 24 घंटे में हमारे द्वारा बताई गई कुछ खास सावधानियों को रख लिया तो आपके जीवन में 4 बड़े परिवर्तन जरूर होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं उनको अपने घर में सदैव के लिए विराजमान करना चाहते हैं तो वो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ बड़ी खुशखबरियों के बारे में और कुछ नकारात्मक स्थितियों के बारे में। दोस्तों, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं और कौन से कार्य हैं जो आपको करने हैं, तो इसे ज़रा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत खास बातें हैं। दोस्तों, पहली चीज़ आपको बताएं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य में फंसा था, अपनी ज़िंदगी में कोई भी केस मुकदमे में या फिर दोस्तों विवाद में या फिर लड़ाई झगड़े में या फिर आप अपने अन्य व्यक्ति कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बारे में सोचता है, यानी कि आपको सबसे पहले रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल बना रहेगा जो आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायता बनेगा। कुछ दिक्कतों का सामना करने के बावजूद आप सकारात्मक दृष्टिकोण से संतुलित रह सकते हैं। आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहें। समय पर दोस्तों संपन्नता आप लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। किसी भी नए माहौल में आपका कोई दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के हाथ लग सकता है जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, पैसों से जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और सभी इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। न्यू कहें तो दोस्तों, घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज़्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूँ, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, दोस्तों अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और दोस्तों, इस समय
माता रानी के दरबार में जरूर जाएं, उनकी पूजा और आरती जरूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें, इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें, दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।